स्वागत है गाइज आपका एक और नए वीडियो में। गाइज एक यूट्यूब क्रिएटर हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल कब ग्रो होगा, कैसे ग्रो होगा। और गाइज जब भी हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो बहुत सारी वीडियो खुल के आती हैं। और मैंने गाइज यहाँ पे एक नोटिस किया है, सारे क्रिएटर जो भी बड़े बड़े क्रिएटर अपनी वीडियो में बताते हैं, वो एक बात मेन यही बात बताते हैं कि अपने चैनल को ग्रो करने के लिए गाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आप अपने YouTube चैनल पे रेगुलर नहीं हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाइज YouTube चैनल ग्रो करना। ठीक है, तो क्या ये सच है, कितना सच है कितना झूठ है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और आज के इस वीडियो में गाइज आप ये जानोगे कि रेगुलर वीडियो अगर आप अपलोड करते हो तो उससे ज़्यादा फायदा होगा कि एक दिन छोड़ के अपलोड करते हो उससे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं गाइस सबसे पहले, गाइस मैं अपने पर्सनली अपने चैनल की बात करूँ तो अभी कुछ दिनों से गाइस मैं अपने वीडियो जो है रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक एक दिन छोड़ के वीडियोस अपलोड कर पा रहा हूँ। इससे पहले गाइस मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करता था, तो गाइस मैंने अपने चैनल में देखा, YT स्टूडियो में गाइस मैंने देखा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करने से गाइस यूट्यूब का जो इंप्रेशन होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, पहले क्या सीन होता था कि मेरे लाखों में इंप्रेशन जाता था, लेकिन गाइस अभी सीन क्या है कि जब मैं एक दिन गैप करके वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो मेरा इंप्रेशन कुछ घट गया है। अभी आप लोग आउटसाइड में देख सकते हो रियल टाइम व्यू, अभी गाइस यहाँ पे 200-250 व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता था तो यही मेरे रियल टाइम व्यूज़ गाइस 500-600 व्यूज़ आ जाते थे। ठीक है, लेकिन गाइस अभी एक दिन गैप करके डालते हैं तो यही रियल टाइम व्यूज़ गाइस घट गए हैं। अब बात करते हैं गाइस डेली वीडियोस अपलोड करने का फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए कि आपने वीडियोस अपलोड किया और उस वीडियो का इंप्रेशन गया 1000। इंप्रेशन में मान लीजिए आपको 200-300 लोगों ने क्लिक किया, आपकी वीडियो 200-300 फ़ोन में प्ले हो रही है, तो गाइस देखिए क्या होता है कि जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उसका जो वीडियो होता है वो तो चल ही रहा है, और उसके नीचे आपकी सजेस्ट जो वीडियो होती वो भी चलता है। अब 200 वीडियो मतलब 200 लोग अगर आपकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो 200 में से गाइज मान के चलो 50-60 लोग जो हैं वो डेफिनेटली गाइज नीचे वाली वीडियो को क्लिक करेंगे अगर आपकी वीडियो उसको इंटरेस्टिंग लगती है तो। बेसिकली हम ही लोगों को गाइज अभी मान लो कोई वीडियो पर्टिकुलर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी वीडियो अगर अच्छी लग गई तो हम लोग और वीडियो देखना चाहेंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि उससे आपकी वीडियो का वॉच टाइम भी बढ़ेगा, इंप्रेशन और ज़्यादा पहुँच जाएगा और आपका रियल टाइम व्यूज़ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब फ़ायदा ही फायदा होता है डेली वीडियोस अपलोड करने का। ठीक है, मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया और नेक्स्ट डे अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो ना तो आपकी वीडियो सजेस्ट में आएगी और ना ही जो 1000 इंप्रेशन यूट्यूब डेली आपके भेजता है ना वो 1000 इंप्रेशन आगे तक जाएगा, तो वो यानी कि 1000 फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली गाइज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका मान लीजिए 30 दिन में अगर हर वीडियो पे अगर 1000 इंप्रेशन जा रहा है तो 30 दिन में 30000 इंप्रेशन चला जाएगा। मान लीजिए गाइस अगर आप एक एक दिन गैप करके वीडियोस को अपलोड करते हैं तो वहीं 15000 इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो 30000 इंप्रेशन बेटर है कि 15000 इंप्रेशन बेटर है वो आप लोग डिसाइड करो। तो गाइस ये फ़ायदा होता है डेली वीडियोस अपलोड करने का। अगर आप देखिए होता क्या है कि स्टार्टिंग में अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है तो आप डेली वीडियोस अपलोड करिए जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, और जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक दिन के बाद भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत इसलिए नहीं होता गाइज क्योंकि आपकी वीडियो ऑलरेडी चल रही है, आप लोग आपको मतलब ऑलरेडी लोग जानते हैं अगर आपको बड़ा चैनल हो गया है तो। और छोटा चैनल है तो छोटे चैनल को इतना कोई जानता नहीं है तो यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है अभी। ठीक है, होता क्या गाइज कि बड़े चैनल का क्या होता है कि वो लोग अगर एक दिन गैप करके भी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो ऑलरेडी उनका रियल टाइम व्यूज़ इतना होता है कि ऑटोमेटिक इंप्रेशन जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन अपने लोगों का क्या होता है कि अगर आप डेली वीडियोस नहीं अपलोड करोगे तो इंप्रेशन घट जाता है। ठीक है, और उन लोगों का क्या होता है इंप्रेशन उन लोगों का ऑटोमेटिक बढ़ा ही रहता है, थोड़ा बहुत घट जाएगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने लोगों का क्या है गाइस कि अभी इंप्रेशन 30000 मान लीजिए एक महीने में आ रहा है और एक एक दिन गैप कर देंगे तो वही 15000 हो जाएगा, तो काफ़ी मतलब नुकसान हो जाएगा। फ़ायदा ये है गाइस डेली वीडियो अपलोड करने का कि इंप्रेशन बढ़ता है, रियल टाइम व्यूज़ बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ता है। ठीक है, ग्रो गाइस धीरे ही धीरे होता, अचानक नहीं होता। अच्छा कंटेंट बना रहे तो हो सकता है कोई कौन सी वीडियो वायरल हो जाए किसने देखा। ठीक है, तो ये गाइस मैं अपने YouTube चैनल का एनालिटिक्स चेक कर रियलाइज़ किया कि आखिर डेली वीडियो डालने का फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा गाइस होता है, आप लोग भी अपने चैनल पे एनालिटिक और ये सब चेक करना। ठीक है, अगर आप एक दिन गैप करते हो तब भी चेक करना कि आपका इंप्रेशन घटा कि बढ़ा। ठीक है, अब वॉच टाइम बढ़ा कि घटा, आप लोग
चेक करोगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि डेली वीडियो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो गाइज़ मैं बेसिकली यही बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर डेली वीडियोस अपलोड नहीं करते हो तो डेली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दो, काफ़ी फ़ायदा होता है अपने चैनल का ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ भी सीखा हो या कुछ बताना हो तो वो भी कमेंट में बताना गाइज। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।